किसी को अभी मैं नेक पे स्प्रेड कर दूंगी। क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम खुशी। सो आज का वीडियो रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। और मैंने ये मेकअप सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक और काजल से किया है, आप लोग मानोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेड लिपस्टिक और ब्लैक कलर का जो पेंसिल रहता है सिर्फ उसी से, बाकी मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। पूरा मेकअप देखना, और ये है कोरियन मेकअप, जो बहुत ही कोरियन हैक रहता है जो वो लोग करते हैं, और वायरल हैक है, तो मैंने आज ट्राई किया तो देखा, सोचा कि आप लोग को भी मैं बताऊं कि ये मेकअप कैसे करते हैं। और बहुत इजी है, ना ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही इजी है, आप सब लोग के लिए, जो बिगनर है, जो जिसे बिल्कुल मेकअप नहीं आता, उनके लिए भी बहुत इजी है ये, वो भी कर सकते हैं ये मेकअप। मैंने लाइनर भी नहीं लगाई है, ना काजल, कुछ नहीं, सिर्फ वो कोरियन मेकअप किया है जो वो लोग ने हैक बताया है वैसा। और अगर आपको ये मेकअप अच्छा लगे, पूरा वीडियो देखना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 जो ब्लैक कलर का थंब है उसे ब्लू में टर्न कर देना, और जो घंटी है ना साइड में, राइट साइड पर, उसे क्लिक कर देना, क्योंकि मेरे और भी न्यू वीडियोज़ आए उसके अपडेट्स आपको मिल जाए, उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। सो टाइम वेस्ट ना करते, चलो हम देखते हैं मेकअप, लेट्स गेट स्टार्टेड। उसने क्या किया है, ये थ्रेड लेना है और धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, इसको उस पे काजल लगाना है, तो हम काजल लगाते हैं। काजल मेरे पास यही है, तो ये यूज करते हैं। क्या किया था यहाँ पे, तो मेरी आईब्रो ऑलरेडी डार्क है, और डार्क लाइन दिख रही है आप लोग को, अब उस लाइन पे हमें पेंसिल करना है। वाओ, ये आईब्रो देखो और ये वाली आईब्रो देखो, परफेक्ट, अच्छा है क्या ये। क्या किया है, डार्क कलर का कंसीलर पूरे फेस पे अप्लाई किया है, ठीक है, तो डार्क कलर के लिए मैं ये लूंगी, अब इसको मैं पूरे फेस पे लगाऊंगी।
बहुत डार्क कलर है। गर्म भी हो रहा है, फैन बंद करके शूट करना पड़ता है ना। अब इसे किया है, फाउंडेशन लिया है, उसको पूरे फेस पे अप्लाई किया। आप कलर देख सकते हो, ये कलर और ये कलर, फिर भी अच्छे से ब्लेंड हो गया। अभी मैं नेक पे स्प्रेड कर दूंगी। सो ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा वेट है, ठीक है, मैंने गीला करूंगी। यार ये तो स्प्रेड ही नहीं हो रहा, सूख गया ये देखो। इसे रब करती हूँ, वाओ कितने अच्छे से स्प्रेड हो गया। और डार्क कलर मैंने पहले कंसीलर लगाया था और उसके बाद जो लाइट शेड है, जो मेरा स्किन शेड है, वो लगाया, फिर भी अच्छे से कवर हो गया। सी सो इसे मैं दूंगी 10 out of 8। आई लव दिस, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गया ये। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वैसे भी कोरियन वाले मेकअप, माय गॉड, उन लोग के मेकअप जो रहते हैं ना, बहुत अच्छा। कॉन्टोर ब्लैक पेंसिल से, तो मेरे पास तो यही ब्लैक पेंसिल है, करते इससे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं दाढ़ी बना रही हूँ। मेरी
कहाँ से लाते हैं ये लोग ये सारे हैक्स, कैसे करते हैं? वैसे भी आप लोग ने नोटिस किया है वो लोग का हमेशा मेकअप है ना, यहाँ से वो लोग वी शेप, बहुत अच्छे से शार्प वी शेप लाते, कंसीलर भी लगाया था तो मैं यहाँ पे ये कंसीलर लगा दूंगी, ठीक है? अब इसे हम स्प्रेड करते हैं, देखते हैं वी शेप आता है कि नहीं। कुछ ज्यादा ही ब्लैक कलर नहीं हो गया? बट दिख नहीं रहा है, छिप गया है वो लुक, मतलब वो अच्छे से ब्लेंड हो गया है इसमें। मैंने सोचा था ब्लैक कलर दिखेगा बट वो ब्लेंड हो गया। सो अच्छा खासा कट दिख रहा है यहाँ से, हल्का सा आपको वी शेप दिखता रहेगा, मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ब्लैक कलर जो मैंने पेंसिल लगाई थी वो पूरा रब हो गया, मतलब वो दिख ही नहीं रहा है। सो ये वाला हैक भी अच्छा है, अगर समझो किसके पास कॉन्टर के लिए कुछ है नहीं, ब्रश या ब्राउन कलर का कॉन्टर पाउडर या कॉन्टर कंसीलर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ये ब्लैक पेंसिल यूज़ कर सकते हो। ब्लैक कलर का अगर आप लोग के पास पेंसिल है, ब्लैक पेंसिल जो हम आईब्रो पे यूज़ करते हैं वो भी चलेगा, या फिर काजल, और काजल कौन सी वाटर प्रूफ ना हो, विदाउट वाटर प्रूफ काजल, नहीं तो वाटर प्रूफ लगाओगे तो यहाँ पर वो स्टिक हो जाएगा, ठीक है? तो वाटर प्रूफ काजल नहीं लगानी है। तो ये वाली पेंसिल मैंने यूज़ की है जो वाटर प्रूफ नहीं है, ब्लैक कलर का पेंसिल आप लगा दो और उसे स्प्रेड कर दो, बेस्ट है कि ये। बट हाँ, बाहर जाने से पहले एक बार घर पे ट्राई कर लेना, पहले देख लेना, उसके बाद स्टिक से मेकअप, मतलब पूरा ब्लशर, आई मेकअप, आई शेडो, और वो लोग है ना और रेड कलर की लिपस्टिक से आईब्रो भी बनाते हैं, तो ट्राई करते हैं। रेड कलर की लिपस्टिक से कौन करता है यार, ट्राई करते हैं। आईब्रो पे हल्का सा रेड कलर लगाती हूँ मैं, क्या लग रहा है ये। तो अब इसे हम ब्लेंड करते हैं, पहले इसे मैं ब्लेंड करती हूँ। अरे यार स्प्रेड हो रहा है ये तो, वाओ, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा होगा। एक और चीज भी किया था लिपस्टिक से, तो नोज पे भी लगाते हैं।
वाओ, सोचा भी नहीं था एक लिपस्टिक से इतना अच्छा मेकअप। वाओ, बेस्ट है। देखो बेस्ट मेकअप है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव दिस। देखिए यहाँ पे डक लाइन वो जो रहता है वो क्या है, ठीक है, तो उसके लिए मैं ब्राउन कलर की पेंसिल लूँगी। या और मेरा तो ऑलरेडी है देखो, बट फिर भी बना देता है। पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। पहले और फिर इससे हम ये मैंने हाइलाइटर लिया है, ठीक है। थोड़ा आईज पे भी लगा देते। सो वाओ, मेकअप बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और आईज मेकअप भी देखो, मतलब ये सस्ता टिकाऊ मेकअप जो ज़्यादा मेहनत नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ पेंसिल ली है ब्लैक कलर की, जिससे हमने ये कट कर दिया है, रेड लिपस्टिक जिससे मैंने सारा मेकअप कर दिया है, पेंसिल ली हमें आईब्रो पे भी लगानी है, ठीक है ना। मैंने इसमें आईलैशेस किया है, आई मस्करा लगा, ना ही मैंने काजल लगाया है। लिपस्टिक भी मैंने नॉर्मल लगाई, और मेकअप इतना अच्छा हो गया है, ना मैंने ब्लशर लगाया अभी तक, मैंने ब्लशर भी नहीं लगाया। तो चलो ब्लशर लगा दूँ मैं। ब्लशर के लिए मैं यूज़ करती हूँ लैक्मे का, जो बहुत बहुत अच्छा है ब्लशर। ये ऐसे टाइप में आता है, यहाँ पे स्पंज है, ठीक है, तो इसे सिर्फ आपको ऐसे रब करना है। और यहाँ पर देखो, वाओ, आई लव दिस मेकअप। तो बस आज का यही था, कोरियो मेकअप। देखो लग रही हो ना कोरियन।